ब्रेक के बाद आपका स्वागत। मैं आपके साथ लगातार अंकित मिश्रा और आप देख रहे हैं TV27 न्यूज। के कविता की आज खत्म हो रही ईडी की रिमांड पर आज सुनवाई होनी है। के कविता को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया जाएगा। शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उनकी गिरफ्तारी हो रखी है, जिसके बाद आज उन्हें राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया जाएगा। जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है, ईडी की रिमांड पर है के कविता, जिसको लेकर के लगातार के कविता बोलती भी रही हैं। इससे पहले भी जब उनको गिरफ्तारी को लेकर 2023 में भी बड़ी रैली की गई थी, जब ईडी ने बुलाया था, तब उस समय उन्होंने महिलाओं को 33% आरक्षण देने के नाम से रैली भी की थी। और अब इसी कड़ी में उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है और गिरफ्तारी के बाद से लगातार के कविता को लेकर के कई बातें सामने निकल कर आ रही हैं। और ईडी की आज रिमांड खत्म हो रही है, जिस पर ईडी आज रिमांड मांग सकती है। जानकारी निकल कर सामने आ रही है, उसके अनुसार ईडी रिमांड मांगेगी आज। और सबसे पहले राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी होगी, पेशी के बाद ईडी आज रिमांड की मांग और कर सकती है। जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि कविता तेलंगाना से विधायक है और केसीआर की बेटी है। शराब नीति यानी कथित शराब नीति घोटाले में उनका नाम भी सामने आया था और ये कहा जाता है कि साउथ लॉबी को उन्हीं ने हेड किया, जिसके बाद उनकी गिरफ्तारी हुई है। गिरफ्तारी के बाद से ही लगातार आज उनकी पेशी होनी है राउज एवेन्यू कोर्ट में, जहां ईडी जो है रिमांड को बढ़ाने की मांग करेगी, तो के कविता की तरफ से उन्हें बेल देने की बात कही जाएगी। इसी को लेकर आज के कविता राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश होंगी और इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं के कविता को लेकर। तो जानकारी निकल कर सामने आ रही है, आज राउज एवेन्यू कोर्ट में शराब नीति मामले में केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ आज आम आदमी पार्टी प्रदर्शन करने जा रही है। प्रधानमंत्री आवास का घेराव करेगी आम आदमी पार्टी। विरोध प्रदर्शन से पहले सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी कर दिए गए हैं। पटेल चौक मेट्रो स्टेशन के बाहर पुलिस की तैनाती भी की गई। प्रधानमंत्री आवास पर प्रदर्शन आम आदमी पार्टी करेगी, जिसको लेकर के प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है किसी भी तरीके की। दरअसल प्रधानमंत्री आवास के बाहर प्रोटेस्ट करने की इजाज़त नहीं है और ऐसे में अगर प्रोटेस्ट करते हैं तो गिरफ्तारी भी संभव है, लोगों को हिरासत में लिया जाएगा। जैसा कि हमेशा आपने अमूमन इस तरीके के प्रोटेस्ट देखे होंगे, पीएम आवास के सामने आप 1 से 1.5 मिनट तक खड़े नहीं हो सकते, यानी आप 30 सेकेंड से ज़्यादा नहीं रुक सकते, जैसा कि प्रोटोकॉल है। आप अगर फ्लाइंग जोन में हैं तो वहाँ पूरा नो फ्लाइंग जोन रहता है। पीएम आवास के ऊपर से ना कोई प्लेन जाता है, ना ड्रोन जाता है और ना ही सामने रोड के मार्ग से कोई ज़्यादा देर वहाँ खड़ा हो सकता है। अगर गाड़ी तक ख़राब हो जाती है तो 1 से 1.5 मिनट के अंदर में वहाँ से गाड़ी तक हटा दी जाती है। तो वहाँ सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम, और उससे पहले ही आज प्रधानमंत्री आवास घेरने की तैयारी पर आम आदमी पार्टी नजर आएगी। और उससे पहले ही पीएम के आवास से पहले उन्हें रोक दिया जाएगा। पटेल चौक मेट्रो स्टेशन पर भी तैयारी तेज की गई है। तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं सीआरपीएफ के जवान और दिल्ली पुलिस के जवान, दोनों पैरामिलिट्री के जवान साफ तौर पर नजर आ रहे हैं और साफ तौर पर यह तैयारी आज की गई है, जिससे कि आम आदमी प्रोटेस्ट को रोका जा सके। और ये बड़ा प्रोटेस्ट आज आम आदमी पार्टी कर रही है और इसके बाद 30-31 तारीख में यानी महीने के आखिर में 31 मार्च को एक बड़ी रैली की जाएगी, जिसमें INDIA गठबंधन के तमाम जो दल हैं वो शामिल होंगे। कंगना रनौत पर विवादित पोस्ट का मामला लगातार तूल पकड़ रहा है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने मामले पर संज्ञान ले लिया है। महिला आयोग ने चुनाव आयोग को पत्र लिखा है कि NCW ने चुनाव आयोग से कार्रवाई की मांग की है, महिलाओं के लिए सम्मान रखना जरूरी है। NCW ने इस बात का जिक्र किया। तो वहीं सुप्रिया का पोस्ट महिलाओं की गरिमा के खिलाफ है, ये भी कहते हुआ NCW नेशनल कमीशन फॉर वुमेन्स कहता हुआ नजर आया है। तो साफ तौर पर सुप्रिया श्रीनीत के पोस्ट को लेकर के ये बयान को लेकर मामला खड़ा हुआ है, जिसके बाद से ही कंगना रनौत ने पहले पलटवार किया और अब उसके बाद नेशनल कमीशन फॉर वुमेन्स NCW राष्ट्रीय महिला आयोग ने इसका संज्ञान लिया और चुनाव आयोग से अपील की है कि सुप्रिया श्रीनीत के खिलाफ कार्रवाई की जाए।
इसी मामले पर सुप्रिया श्रीनेत ने अब एक और बयान दिया है, जहां उन्होंने दावा किया है कि उनके सोशल मीडिया अकाउंट का एक्सेस कई लोगों के पास है। उन्होंने कहा कि मेरे फेसबुक और इंस्टा के अकाउंट्स पर कई लोगों का एक्सेस है, इसमें से किसी व्यक्ति ने आज एक बेहद घृणित और आपत्तिजनक पोस्ट किया है। मुझे जैसे ही इसकी जानकारी हुई मैंने वो पोस्ट हटा दिया। मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट का एक्सेस कई लोगों के पास है, उसमें से किसी एक व्यक्ति ने आज एक बेहद घृणित और आपत्तिजनक पोस्ट की। मुझे जैसे ही पता चला मैंने सर्वप्रथम उस पोस्ट को डिलीट किया, क्योंकि जो कोई भी मुझे जानता है वो अच्छी तरह से जानता है कि मैं कभी भी किसी भी महिला के खिलाफ व्यक्तिगत भद्दी और भोंदी टिप्पणी कर ही नहीं सकती हूं, मैं इसकी घोर विरोधी हूं। फिर मैंने जानना चाहा कि आखिर ये कैसे हुआ। तब पता चला कि ट्विटर पर मेरा नाम का दुरुपयोग करके एक पैरोडी अकाउंट चलाया जा रहा है, सुप्रिया पैरोडी के नाम से। वहीं पर यह ऑब्जेक्शनेबल पोस्ट हुआ और वहीं से किसी ने कॉपी पेस्ट करके मेरे फेसबुक और इंस्टा पे डाला। मैं ये पूरी तरह से जानने में जुटी हूं कि जिन लोगों के पास एक्सेस था उनमें से किसने ये घृणित काम किया। साथ ही मैंने इस पैरोडी अकाउंट को भी ट्विटर को रिपोर्ट किया, क्योंकि ये पहली बार नहीं हुआ है। पहले भी मेरे नाम का दुरुपयोग करके जो हूबहू सुप्रिया श्रीनेत का अकाउंट लगता है वहां से अनर्गल टिप्पणियां भ्रमित बातें कही जाती हैं। मैंने सर्वप्रथम इसको ट्विटर को रिपोर्ट किया और इस अकाउंट को भी मैं बंद कराऊंगी जैसे मैंने बाकियों को बंद कराया है। लेकिन मैं यहां पे बिल्कुल बोलना चाहती हूं कि मैं किसी भी सूरत में सार्वजनिक जीवन में भद्दी भोंडी व्यक्तिगत टिप्पणियों के खिलाफ हूं। न मैंने ऐसा कभी किया है और न मैं कर सकती हूं। विचारधारा की लड़ाई पुरजोर तरीके से, पूरी ईमानदारी से और पूरी मजबूती से लड़ने में मेरा यकीन है। महिलाओं के खिलाफ मैं आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग ही नहीं। कंगना रनौत पर कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत के पोस्ट पर बीजेपी नेता मनोज तिवारी ने निशाना साधते हुए कहा कि मैं हैरान हूं कि महिलाओं और कलाकारों के प्रति कांग्रेस की ऐसी सोच है, ऐसी विचारधारा है। रियल लाइफ में एक कलाकार को कई चरित्र निभाने पड़ते हैं, क्या कांग्रेस के लोग कलाकार का वही चरित्र बनाएंगे जो वो निभा रहे हैं? आज हमने कांग्रेस का एक बयान सुना, भारत की बेटी के लिए, एक महिला के लिए और भारत के कलाकार के लिए, कंगना रनौत के लिए जो मंडी से लोकसभा की प्रत्याशी बनी है। लेकिन कांग्रेस का बयान, मैं हैरान हूं कि कांग्रेस की महिलाओं के प्रति और भारत के कलाकारों के प्रति, बेटियों के प्रति ये ऐसी घिनौनी सोच है। जो संस्कार युक्त हैं, जो समझदार हैं, उनको अच्छी तरह पता है कि रियल लाइफ और रियल लाइफ में क्या अंतर है। रियल लाइफ में एक कलाकार को कई चरित्र निभाने पड़ते हैं, तो क्या वो जो चरित्र निभा रहा है उसका रियल लाइफ का वही चरित्र बनाओगे आप कांग्रेस के लोग? आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है, जहां मनोज तिवारी साफ तौर पर निशाना साध रहे हैं सुप्रिया श्रीनेत पर, तो सुप्रिया श्रीनेत भी अपने बचाव में आकर खड़ी नजर आती है। केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ प्रदर्शन, गिरफ्तारी के खिलाफ आम आदमी पार्टी का विरोध प्रदर्शन चालू है। पटेल चौक मेट्रो स्टेशन के बाहर हल्ला बोल किया हुआ है। पुलिस हिरासत में आम आदमी पार्टी नेता हरजोत सिंह भी पुलिस की हिरासत में चले गए हैं, यानी हिरासत में ले लिया पुलिस ने। पटेल चौक मेट्रो स्टेशन के बाहर हल्ला बोल प्रदर्शन चल रहा है। दरअसल प्रधानमंत्री आवास का घेराव करना चाहते हैं, जिसके लिए आज ये बड़ा प्रदर्शन आम आदमी पार्टी कर रही है। पटेल चौक मेट्रो स्टेशन के बाहर ये प्रोटेस्ट चल रहा था, जहां से पुलिस ने आम आदमी पार्टी के नेता हरजोत सिंह को हिरासत में लिया। तो साफ तौर पर अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद से लगातार आम आदमी पार्टी देश भर में कई हिस्सों में अब तक प्रोटेस्ट कर चुकी है, और इसी कड़ी में आज का भी ये प्रोटेस्ट है, जिसमें प्रधानमंत्री आवास के घेराव की बात कही गई थी और उस तरफ जाने से पहले ही बैरिकेड में ही इन्हें रोक दिया गया। और ये तस्वीरें भी आपको दिखाने लगे हैं, प्रोटेस्ट की आज की ये तस्वीरें हैं, जब आम आदमी पार्टी को दिल्ली पुलिस और सीआरपीएफ के जवान समझाने बुझाने की कोशिश कर रहे थे। आयुषी मेरे साथ ज़्यादा जानकारी के साथ बनी हुई है। आयुषी, आज ये खासतौर पर इतना बड़ा विरोध प्रदर्शन किया गया है और जानकारी निकल कर सामने आ रही है कि पुलिस ने आम आदमी पार्टी के नेता हरजोत सिंह को भी हिरासत में ले लिया। आयुषी, आपको मेरी आवाज आ रही है? आयुषी,
ठीक है, आयुषी पर हम दोबारा आयुषी के पास ले चलेंगे, लेकिन फिलहाल अभी उनसे हमारा संपर्क टूट गया है। तो ये खबर आपको लगातार बता रहे हैं कि पुलिस की हिरासत में हरजोत सिंह है, नेता हैं आम आदमी पार्टी के वो, और ये तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं जो आज की तस्वीरें हैं, जिसमें साफ तौर पर ये देखा जा सकता है कि पुलिस लगातार समझाने बुझाने की कोशिश कर रही है, लेकिन जो प्रदर्शनकारी हैं वो मानने को तैयार नहीं हुए, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं आज की ये बड़ी तस्वीर। प्रधानमंत्री आवास का घेराव करने की कोशिश कर रहे हैं, दो तस्वीरें अब आपको दिखा रहे हैं। तो ये साफ तौर पर दो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं आपको, आम आदमी पार्टी का पुलिस के साथ जो इस वक्त वाद विवाद चल रहा है उसकी तस्वीरें दिखा रहे हैं। तो बीजेपी भी प्रोटेस्ट करती हुई नजर आ रही है तस्वीरों में। दोनों तरफ आमने सामने की लड़ाई है, और दरअसल दोनों के दफ्तर भी आमने सामने ही हैं। आप मानकर चलिए कि 1 किलोमीटर के दायरे में ही एक ही सड़क पर दोनों के दफ्तर हैं, तो कितना मुश्किल पुलिस प्रशासन के लिए भी होता होगा जब एक साथ दोनों प्रोटेस्ट करते नजर आते हैं। लेकिन आज पटेल चौक पर आम आदमी पार्टी पहुंची हुई है, तो दूसरी तरफ बीजेपी है, और ये बड़ा प्रोटेस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी। फिरोज शाह कोटला स्टेडियम टू दिल्ली सेक्रेटेरिएट वाया ITU, तो ये प्रोटेस्ट का पूरा रोड मैप है। 11 बजे से ये प्रोटेस्ट शुरू हो चुका है। वीरेंद्र सचदेव इसमें रहेंगे, सीनियर लीडर्स भी रहेंगे जो प्रोटेस्ट मार्च निकालेंगे अरविंद केजरीवाल का डिमांड को लेकर के, निकाल भी रहे हैं। तो ये आयुषी मेरे साथ है, ज़्यादा जानकारी के साथ जुड़ गई हैं। आयुषी, दो तस्वीरें हम लगातार दर्शकों को दिखा भी रहे थे, और सवाल यही इन्हीं तस्वीरों के साथ कि आज दोनों आमने सामने की लड़ाई पर आकर खड़े हो गए हैं। एक तरफ आम आदमी पार्टी है जो PM आवास का घेराव करना चाहती है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस है जो मुख्यमंत्री का इस्तीफा चाहती है, जो दूसरी तरफ बीजेपी है जो मुख्यमंत्री का इस्तीफा चाहती है। जी बिल्कुल अंकित, ये बात पहले से ही तय थी कि अगर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल जाते हैं तो वो जेल से ही सरकार चलाएंगे, वो इस्तीफा नहीं दे। अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी लगातार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की मांग कर रही है, जिसको लेकर विरोध प्रदर्शन भी देखने को मिल रहा है। और ऐसे में अंकित, एक तरफ जहां मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की मांग चल रही है, वहीं आम आदमी पार्टी लगातार उनके गिरफ्तारी का विरोध करती नजर आ रही है। हर दिन सड़कों पर आकर विरोध प्रदर्शन कर रही है, गिरफ्तारी का विरोध कर रही है। लेकिन ऐसे में आज प्रधानमंत्री आवास के घेराव की मांग की है, और उसको लेकर आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के वो तमाम कार्यकर्ता, नेता, मंत्री, विधायक सब आज प्रधानमंत्री आवास को घेरने की तैयारी कर रहे हैं। और आपको बता दें कि पटेल चौक से लेकर प्रधानमंत्री आवास तक इनकी एक प्रदर्शन यात्रा होगी। लेकिन ऐसे में देखने वाली बात होगी क्या दिल्ली पुलिस प्रधानमंत्री आवास तक आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं को पहुंचने देती है या नहीं, क्योंकि जिस तरीके से देखा जाए, चाहे वो जब भी आम आदमी पार्टी या विपक्ष की पार्टियां दिल्ली की सड़कों पर प्रदर्शन करती हैं तो दिल्ली पुलिस काफी एक्टिव नजर आती है, अपनी तैयारी, अपनी सुरक्षा व्यवस्था काफी दुरुस्त रखती है ताकि उस प्रदर्शन को उसी जगह खत्म कर दिया जाए। लेकिन इस प्रदर्शन के कई मायने हैं। ये प्रदर्शन जहां एक तरफ गिरफ्तारी का विरोध प्रकट कर रही है, तो वहीं जनता के बीच भी एक मैसेज लेकर जा रही है कि किस प्रकार से केंद्र सरकार इन जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। और एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर को, एक सिलेक्टेड चीफ मिनिस्टर को, जिनको जनता ने चुन के मुख्यमंत्री बनाया है, उनको आज जेल के पीछे रखी हुई है। तो ये तरह, इस तरह के मैसेज वो जनता के बीच में भी इस प्रदर्शन के जरिए देना चाहती है आयुषी। लेकिन इन सब के बीच कहीं ना कहीं दोनों तरफ आमने सामने की लड़ाई हो गई है। बीजेपी आज उन्हीं के इस्तीफे की मांग कर रही है, दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी है जो प्रधानमंत्री आवास का घेराव कर रही है। लेकिन इसमें इन दोनों के बीच कहीं ना कहीं आम लोगों को खासा दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा आज, इन दोनों ही इलाकों पर, ITO और पटेल चौक दोनों पर। बिल्कुल, आम लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। हमने देखा किस प्रकार से जब अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी होती है तो उसके अगले दिन ही ITO चौराहे पर और दिल्ली के अनेक जगहों पर आम आदमी पार्टी प्रदर्शन करती नजर आती है, जिसकी वजह से आवागमन में काफी दिक्कतें होती हैं, ट्रैफिक व्यवस्था में काफी चूक देखने को मिलता है। इसके अलावा मेट्रो स्टेशन बंद कर दिए जाते हैं, क्योंकि अगर मेट्रो स्टेशन खुले रहेंगे तो उस तरीके से पुलिस अपनी पहरेदारी
नहीं कर पाएगी। और आज भी वही वाक्या सामने आया है, जिस प्रकार से इन लोगों ने प्रधानमंत्री आवास को घेरने की मांग कही है और प्रधानमंत्री आवास की ओर कूच कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ पटेल चौक जो कि पीएम आवास का नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है उसको गया है ताकि कोई भी प्रदर्शनकारी मेट्रो का उपयोग करके वहां तक ना पहुंच पाए। लेकिन तमाम चीजों में वो आम लोग जो अपने घर से निकले हैं काम के लिए, जो पटेल चौक मेट्रो स्टेशन का इस्तेमाल करते हैं अपने दफ्तर जाने के लिए, उन लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। ये जो लड़ाई है, क्योंकि लगातार बीजेपी कह रही है वो इस्तीफा दे दें, कानूनी जो दाव पेच है उसमें कहीं ऐसा संविधान में लिखा नहीं है कि कोई मुख्यमंत्री जब तक उसको मुख्यमंत्री क्या कोई भी नेता जब तक उसको 2 साल से ज़्यादा की सज़ा नहीं मिलती तब तक वो अपने पद से इस्तीफा दे। तो ऐसे में क्या वाकई दिल्ली में अब जेल से सरकार चलने वाली है, जो जिक्र मैं पहले दिन से करता आ रहा हूँ, क्या जेल से सरकार चलाना कानूनी दाव पेच में वाजिब है, पॉसिबिलिटीज़ इसकी हैं? देखिए अंकित, आपने बिल्कुल सही कहा है कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जो दावा कर रहे हैं कि क्या वो जेल से सरकार चला पाएंगे और क्या अपने संविधान में ऐसी कोई ऐसा कोई प्रावधान है जहां पे एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर अगर किसी घोटाले के आरोप में अगर जेल जाता है तो वो वहां से आदेश पारित कर सके, वो वहां से सरकार चला सके और वो वर्तमान में मुख्यमंत्री भी रहे जेल के अंदर में, तो बिल्कुल इससे पहले इस देश में नहीं देखने को मिला है। और इससे पहले कि कोई सिटिंग चीफ मिनिस्टर जेल भी नहीं गया है, अगर हेमंत सोरेन की बात कर ले तो ईडी गिरफ्तार करने से पहले उनसे इस्तीफा दिलवाती है उसके बाद उन्हें गिरफ्तार करती है, लेकिन अरविंद केजरीवाल ना तो इस्तीफा दिए हैं और चीफ मिनिस्टर वो अरेस्ट हुए हैं। तो साफ तौर पर बिल्कुल हमारे संविधान में ऐसा प्रावधान है जहां पे जब तक आप दोषी करार ना दिए जाए कोर्ट के द्वारा, जब तक उस केस में आप पे जो आरोप लगे हैं वो सिद्ध ना हो जाए तब तक आप अपने पद पर आश्रित रह सकते हैं, आप अपने पद पर कंटिन्यू कर सकते हैं। क्योंकि जब तक अगर अरविंद केजरीवाल की बात कर ले तो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भी पता है कि इस जो लूप होल है अपने संविधान में, लूप होल सी हम कह सकते हैं कि एक प्रदेश का मुख्यमंत्री जिस पर घोटाले का आरोप लगा है लेकिन वो जेल से सरकार चलाने की बात कर रहा है, क्योंकि संविधान में ऐसे प्रावधान दिए गए हैं। लेकिन इसी में अगर अंकित बात कर ले एलजी की क्या भूमिका रहेगी, क्योंकि हमने देखा है वक्त वक्त पर चाहे वो छोटे से छोटे नियम कानून की बात कर ले या दिल्ली सरकार की कोई एक्टिविटी की बात कर ले, हर चीज में एलजी की दखल अंदाजी वक्त वक्त पर देखी गई है। तो ऐसे में इतने बड़े वाक्या पर जहां पर बीजेपी इस्तीफे की मांग कर रही है लेकिन अरविंद केजरीवाल जेल से सरकार चलाने की मांग कर रहे हैं, तो ऐसे में एलजी की भूमिका कितनी है और एलजी के पास क्या पावर है? तो आपको बता दूं आर्टिकल 239A के तहत अगर एलजी चाहे तो राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग कर सकते हैं। अब ये समझने वाली बात होगी कि जहां पे बहुमत की संख्या कम होती है वहां पे राष्ट्रपति शासन की बात की जाती है, जिस राज्य में अराजकता इतनी फैल जाती है कि सरकार के हाथ में बात न रहे वहां राष्ट्रपति शासन लगती है। लेकिन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जो अभी स्टेट है और जो दिल्ली सरकार जिस स्टेट में अभी खड़ी है, क्या वहां पे भी राष्ट्रपति शासन लग सकता है? तो अगर एलजी इस चीज को साबित कर दे कि दिल्ली सरकार या आम आदमी पार्टी सरकार चलाने में विफल रही है, आम आदमी पार्टी के पास कोई चेहरा नहीं है जो सरकार चला सके, तो वो आर्टिकल 239A के तहत राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग कर सकते हैं और शासन लग सकती है। लेकिन अगर एलजी इतना बड़ा कदम नहीं उठाए तब तक आम आदमी पार्टी जो कहती आई है बिल्कुल वो करते हुए भविष्य में नजर आएगी, वो जेल से ही सरकार चलाएगी। आयुषी, जिस आर्टिकल का आप जिक्र कर रही हैं वो तो तभी लगेगा जब प्रदेश में ये देखा जाए कि बहुमत ना हो, सरकार बहुमत में नहीं है और फ्लोर टेस्ट करवाया जाए और उसके बाद ही ऐसा लगा सकते हैं। लेकिन ऐसी स्थिति दिल्ली में है नहीं, क्योंकि बीजेपी आम आदमी पार्टी के सबसे ज़्यादा सांसद विधायक सबसे ज़्यादा हैं, तो पार्टी को बहुमत है और बहुमत के आधार पर तो मुझे नहीं लगता कि इस तरीके का फैसला लिया जा सकता है, ना ही दिल्ली में अराजकता है और अरविंद केजरीवाल तो एक के बाद एक जेल से बैठे हुए भी आदेश दे रहे हैं। अभी पानी वाला आपको याद ही होगा, वाटर को लेकर के आतिशी ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया था, तो इस तरीके की स्थिति में तो सरकार चलाना और दिल्ली वासियों के लिए बेहद डिफिकल्ट भरा है। और वही वही प्रोटेस्ट करते हुए बीजेपी भी कह रही है कि आखिर आपको इतना क्या सत्ता का लोभ है कि आप जेल में जाने के बावजूद भी अंदर से ही सरकार चलाना चाहते हैं, किसी और को थमा दीजिए।
अंकित, मैं आपको बताना चाहूंगी कि एक तरफ फ्लोर टेस्ट होता है जहां पे आपको अपनी बहुमत साबित करनी होती है, बहुमत साबित नहीं है, और दूसरी पार्टी भी अगर सत्ता सरकार बनाने की स्थिति में नहीं है तो राष्ट्रपति शासन लगता है। लेकिन मैं जिस आर्टिकल की बात कर रही हूँ उस आर्टिकल में एक पावर और है, वो ये कि अगर एलजी, क्योंकि ये हम नई दिल्ली की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं देश की राजधानी की, तो यहाँ पे बाकी राज्यों से हटके कुछ कानून अलग से लगाए गए हैं। इस आर्टिकल 239A के तहत एलजी अगर ये साबित करने में, माना कि 70 में से 62 विधायक आम आदमी पार्टी के पास है, सरकार फ्लोर टेस्ट पे जब भी जाएगी आम आदमी पार्टी वो हमेशा पास होगी और दूसरी पार्टी सरकार बनाने की स्थिति में कभी नहीं आ सकती है। लेकिन इसके बावजूद अगर एलजी ये साबित कर दे कि आम आदमी पार्टी के पास कोई ऐसा चेहरा नहीं है जो सरकार चला सके, और मुख्यमंत्री जेल से अपनी सरकार चलाने की कोशिश कर रहे हैं, और दिल्ली सरकार की अगर बात कर ले तो इसमें काफी ज्यादा उथल पुथल मच चुकी है, मुख्यमंत्री के जेल जाने की वजह से दिल्ली सही तरीके से नहीं चल पा रही है। ऐसी परिस्थितियों को अगर वो रखे और इस तरीके से अगर वो राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग करे तो बिल्कुल एलजी की बात को सुना जाएगा। भले इनके पास 62 विधायक है, फ्लोर टेस्ट से भले आम आदमी पार्टी खड़ी उतरेगी, लेकिन इसके बावजूद अगर एलजी 239AA के तहत अगर ये साबित कर दे कि दिल्ली में अराजकता फैल रही है, मुख्यमंत्री जेल में है जिसकी वजह से सरकार नहीं चल पा रही है, तो ऐसे में ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो सकती है। लेकिन कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी भी ऐसा चाहती है कि एलजी की दखलंदाजी हो, ताकि वो जनता के बीच में जाके ये मैसेज दे कि हम जेल से सरकार चला रहे हैं, हम आप तक इतनी तरह की स्कीम पहुंचा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ईडी कस्टडी में, उनका आज ये तीसरा दिन है, लेकिन तीसरे दिनों में उन्होंने दो बड़े फैसले ईडी कस्टडी में रहते हुए दिल्ली सरकार के लिए लिए हैं। पहले जल बोर्ड में उन्होंने फैसला लिया और आज स्वास्थ्य विभाग के लिए उन्होंने अपना आदेश जारी किया। वो कहीं ना कहीं ये मैसेज दे रहे हैं कि वो भले जेल के अंदर लेकिन दिल्ली की जनता के लिए वो काफी है, वो कहीं से भी सरकार चलाएंगे लेकिन दिल्ली की जनता के हित में बात करेंगे। तो कहीं ना कहीं ये दो आदेश है, ये दो ऐसे आदेश दिए हैं जो सीधे सीधे जनता से कनेक्टेड है अंकित। उसके बावजूद अगर कल होके बीजेपी या एलजी ऐसा कोई, बिल्कुल आप बड़ी जानकारी दे रही थी और ये चर्चा का विषय भी बना हुआ है, तमाम कानून के जानकार भी इस मुद्दे पर लगे हुए हैं कि क्या वाकई जेल से सरकार चलाई जा सकती है, और अगर सरकार गिरती है तो किस तरीके से गिर सकती है, और सरकार बनी रहती है तो कैसे बनी रह सकती है। बीजेपी नेता मंजूतर सिंह सिरसा ने कहा है कि वे शराब घोटाले से ध्यान भटकाना चाहते हैं, यानी अरविंद केजरीवाल। वे कहते रहते हैं कि जेल से आदेश मिल रहे हैं, अरविंद केजरीवाल ईडी की हिरासत से ड्रामा कर रहे हैं, एलजी और ईडी निदेशक को लिखित शिकायत है कि उन्होंने जो झूठा पत्र पेश किया है उस पर कार्रवाई की जानी चाहिए। जिस तरह से गैंगस्टर और रंगदारी मांगने वाले जेल से गिरोह संचालित करते हैं, वैसे ही सीएम अरविंद केजरीवाल और कार्यालय सीएम कार्यालय को संचालित करना चाहते हैं। अरविंद केजरीवाल जैसा भ्रष्टाचारी नहीं कर सकता सीएम बने, और उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। शराब घोटाले से लोगों का ध्यान भटकाना चाहते हैं, कभी कहते हैं आज एक ऑर्डर आ गया, फिर कहते हैं दूसरा ऑर्डर आ गया। 9 साल तक मुख्यमंत्री रहे अरविंद केजरीवाल जी, 9 साल तक तो उन्होंने ऑर्डर पास नहीं किया। अब जल मंत्री को नहीं पता कि दिल्ली के अंदर सूवेज और जल की प्रॉब्लम है, हेल्थ मिनिस्टर को ये नहीं पता कि दवाइयों की प्रॉब्लम है, लेकिन अरविंद केजरीवाल जो ईडी कस्टडी में है वो नौटंकी कर रहे हैं। मैंने आज एलजी साहब से रिटर्न में कंप्लेंट दी है, ईडी डायरेक्टर को कंप्लेंट दी है कि जो फोर्ज लेटर उन्होंने प्रोड्यूस की थी उसके ऊपर इन पे कार्रवाई हो। महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव के बीच सीट बंटवारे को लेकर जितना असमंजस महाविकास आघाड़ी के बीच चल रहा है, उतना ही असमंजस मौजूदा सरकार और उनके सहयोगी यानी घटक दलों के बीच चल रहा है। ऐसा इसलिए कि कई बार मीटिंग हुई लेकिन अभी तक सीट बंटवारे पर सहमति नहीं बन पाई। वहीं एनसीपी प्रवक्ता एडवोकेट इंद्रपाल सिंह ने TV27 न्यूज के संवाददाता से खास बातचीत की है, आइए सुनवाते हैं इस मौके पर उन्होंने क्या कुछ कहा है। एनसीपी नेता एडवोकेट इंद्रपाल सिंह हमारे साथ हैं। महाराष्ट्र की राजनीति और लोकसभा चुनाव में सीट बंटवारे को लेकर जो सियासत चल रही है उस पर इनसे खास चर्चा करेंगे। सर, सबसे पहले आपका TV27 न्यूज में स्वागत है। आपसे जानना चाहेंगे कि दिल्ली से लेकर मुंबई तक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और अजीत दादा पवार की मीटिंग हुई, लेकिन सीट बंटवारे पर अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ, इसके पीछे की वजह क्या है?
अब सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे पास वो फार्मूला ये देख रहे हैं कि सिटिंग सीट हमारे पास कितनी है। तो हमारे पास सिटिंग में एमपी नहीं आए ज्यादा, तो वो हिसाब से वो, और हमारे पास जब पार्टी एक थी तो 5 MP थे हमारे पास, तो वो हिसाब से हम ये मानते हैं कि हमारे वहाँ MLA जो हमारे पास में 41 MLA आए हुए हैं, वो 41 MLA तो कहीं ना कहीं जो जाकर जुड़ते हैं तो ऊपर MP से ही जुड़ते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो हमारे साथ इंद्रपाल सिंह थे जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि महाराष्ट्र में सीट शेयरिंग को लेकर जो असमंजस है उसे लेकर पार्टी के जिम्मेदार नेता दिल्ली पहुंचेंगे जहां अमित शाह के साथ मीटिंग की जाएगी। वहीं मनसे प्रमुख राज ठाकरे को साथ आने को लेकर उन्होंने कहा है कि क्षेत्रीय पार्टी है, स्थानीय तौर पर थोड़ी मदद जरूर मिलेगी लेकिन लोकसभा सीट के हकदार नहीं है। महाराष्ट्र के महासंग्राम में आप लोगों को नए चेहरे के साथ, नई राजनीति की, नई संदेश के साथ फिर हाजिर होंगे। वीडियो जर्नलिस्ट अवनीस के साथ मुरारी सिंह, TV27 न्यूज, मुंबई। फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही, आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए TV27 न्यूज।